नमस्कार दोस्तों, जिस देश में महिला के सम्मान के लिए महाभारत हुआ, जिस देश में महिला के सम्मान के लिए लंका जला दी गई, उस देश में महिलाओं के कपड़े उतारकर दरिंदों की भीड़ ने उन्हें सड़क पर घसीटा, लेकिन सड़कें सुनसान रही। मणिपुर समेत दिल्ली तक खामोशी छाई रही, क्योंकि मणिपुर में भाजपा माता के सपूतों की सरकार है। जो तो देश का जुमलेबाज राजा महीनों से जलते मणिपुर पर खामोश रहा, लेकिन इस घटना के बाद जब देश की जनता का गुस्सा बढ़ा तो राजा ने मोर्चा संभाला और महज कुछ सेकंड मणिपुर की घटना पर बड़ी बेशर्मी से राजनीतिक टिप्पणी कर डाली। देश इंतजार में था कि शायद मेडल लाकर देश का मान बढ़ाने वाली बेटियों को प्रताड़ित करने पर चुप रहने वाला भाषणबाज राजा आज अपने पद की गरिमा के हिसाब से कुछ बोलेगा, लेकिन राजा ने हमेशा की अपनी आदत के अनुसार यहाँ भी बेटियों की लुटती इस्मत पर राजनीति शुरू कर दी। अब जरा मणिपुर की पूरी घटना भी सुन लीजिए। इन दिनों मणिपुर कांड की चर्चा सवत से लेकर संसद तक हो रही है। ये घटना 4 मई की है। इसका एक वीडियो 19 जुलाई को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पूरे देश में सनसनी मच गई। वायरल वीडियो में सिर्फ उतना ही है जितना रिकॉर्ड हो पाया था, उसके आगे और पीछे की कहानी वीडियो में नहीं है। मामले के चश्मदीद गवाहों ने जरूर काफी हद तक इस पूरी घटना की जानकारी दी है। इस बीच एक पीड़िता की भी मीडिया से बातचीत हुई है, जिसने 4 मई की घटना के बारे में सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था। पीड़िता ने बताया, 4 मई को अचानक से दरिंदों की भीड़ ने गांव पर हमला कर दिया। पुलिस भी उस भीड़ के साथ थी जो हमारे गांव पर हमला कर रही थी। पुलिस ने हमें घर के पास से उठाया और गांव से थोड़ी दूर ले जाकर भीड़ के साथ सड़क पर छोड़ दिया। एक तरह से पुलिस ने हमें उस भीड़ को सौंप दिया था। अपनी शिकायत में पीड़िताओं ने लिखा, उस वक्त 5 लोग एक साथ वहां थे। वीडियो में जो 2 महिलाएं दिख रही हैं, उनके अलावा एक और 50 साल की महिला के कपड़े उतरवाए गए थे। सबसे कम 20 साल की एक लड़की थी। पहले उसके भाई और पिता को मार डाला गया, फिर जब सारे पुरुष मर गए तो उन्होंने वही किया जो वो करना चाहते थे, फिर हमें वहीं छोड़ गए। हम लोग बाद में वहां से भाग निकले। प्रीता ने मीडिया को बताया कि उसे और उसके परिवार को नहीं मालूम कि कौन सा वीडियो वायरल हुआ है। यहाँ मणिपुर में इंटरनेट नहीं है। आरोपियों की पहचान के सवाल पर प्रीता ने कहा, वहां बहुत सारे लोग थे जिनमें से कुछ लोगों को वह पहचान सकती है। इनमें एक उसके भाई का दोस्त भी शामिल था। बहरहाल मणिपुर की घटना रोकी जा सकती थी अगर राजा विदेशी यात्रा से ज्यादा महत्व जलते मणिपुर को देता और सत्ता के तलवे चाटने वाली गोदी मीडिया धर्म का अफीम चटाने की जगह देश के जरूरी मुद्दों को तरजीह देती। लेकिन जब बेटी बचाओ का नारा देने वाले ही बेटियों की इस्मत लूटने पर आमादा हो जाए तो भला महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब देश में महिला का रेप करने वालों का स्वागत होने लगे, जब देश का मान बढ़ाने वाली बेटियों को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़े, जब महिला का शोषण करने वाले सलाखों की जगह पेरोल पर खुली हवा में सांस लेते नजर आए, तो सवाल किससे किया जाए और कैसे किया जाए। जनता धर्म का अफीम चाट कर सोई रही और उनके वोटों से सत्ता हासिल करने वाले देश की बेटियों की इस्मत लूटे जाने पर राजनीति करें तो सोचना जनता को पड़ेगा कि उसने किसे चुना है, क्यों चुना है और क्या वो धर्म के लफड़े में पड़कर फिर वही गलती कर देगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल चौथा स्तंभ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।